हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। तो हम जो ये दही भल्ले बनाएंगे वो एकदम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, जो कि मैंने एक हलवाई से बहुत अच्छे से सीखा है बनाना। जैसे वो बनाते हैं वैसे ही मैं उन्हीं की तरह आपको आज दही भल्ले बनाकर दिखाऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है 50 ग्राम, हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। एक चम्मच डालेंगे हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें काला नमक। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें सफ़ेद नमक। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें मिर्च पाउडर। और एक पिंच डालेंगे हम इसमें फूड कलर, रेड कलर, जिससे चटनी का कलर बहुत अच्छा बन के आएगा। अब हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी और ले लेंगे। चलिए, तो हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो हमने 2 चम्मच पानी और डाल दिया है इसमें। चलिए, तो ये घोल तैयार हो गया है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, अब हम कढ़ाई में डाल देंगे जो हमने घोल बनाया था अमचूर पाउडर का, मसालों का। चलिए, तो इसको यहाँ पर चलाते रहेंगे, ये खुद पे खुद ही गाढ़ा होता चला जाएगा 1 मिनट बाद। हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 1 या 2 मिनट तक ही हम इसको पकाएंगे। हमें इसमें चमचे को बिल्कुल भी नहीं रोकना, वरना हमारा ये जो हम ये चटनी बना रहे हैं ये जल जाएगी। चलिए, तो अब हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ली है। अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब मुझे इसको तेज़ आंच पर पकाना है, इससे पहले मैंने इसको कम आंच पर पकाया था। चलिए, तो बस यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है, ये डाल दूँगी इसमें। थोड़े से किशमिश ये डाल दिए इसमें, अगर आप चाहे तो चारों मगज़ भी डाल सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, अब हम भल्ला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दाल ली है, उड़द दाल। तो ये मैंने रात भर भिगो के रख दी थी, हलवाई लोग ऐसे ही करते हैं, दाल को पूरी रात भिगोते हैं। चलिए, तो अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाला है। और अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है, सिर्फ इसमें आधा कप पानी ही लगा है पूरी दाल को पीसने में।
अब हम इसको कम से कम 30 मिनट तक इसको फेटेंगे, इसी तरह हलवाई लोग फेटते हैं दाल को। मैंने स्पेशली हलवाई से ही सीख के दही भल्ला बनाने जा रही हूँ मैं। तो हम इसको फेटते रहेंगे। तो हमारे 30 मिनट हो गए हैं, हमने यहाँ पर दाल को अच्छे से फेट लिया है। तो चलिए मैं आपको इसका वो बताती हूँ कि ये हमारी दाल फिट के तैयार है। मैंने कटोरी में पानी लिया है, अब मैं इसमें भला बना के देखती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है। चलिए तो अब इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम जितना भी साइज आपको भलों का रखना है, मैं इतना ही साइज रखूँगी जैसे हलवाई लोग बेचते हैं, वो बनाते हैं भले। तो मैं इनको पहले कम आंच पर डालूंगी, मैंने कम आंच कर रखा है गैस का। अभी हम जब सारे भले इसमें डाल देंगे तो उसके बाद हम तेज़ आंच कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसका तेज़ आंच कर लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसको पलटेंगे, छोटे चम्मच से, खाने वाले चमचे से। देखो इनका कितना प्यारा कलर आया है। और मैं फिर से इसका कम आंच कर दूंगी ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। मैंने देखो इनको कम आंच पर पकाया है। चलिए तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हम सारे भल्ले बना लेंगे। इनको बहुत आराम से फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना निकले, इसलिए हमें बीच में इनका कम आंच कर देना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। चलिए तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे भले फ्राई कर लिए हैं। चलिए मैं आपको एक भला तोड़ के दिखाती हूँ। देखो अंदर से कितना अच्छा जालीदार बना है भला, इतना सा भी अंदर से कच्चा नहीं है। चलिए तो मैंने यहाँ पर पानी लिया है, आप जितना बड़ा बर्तन लोगे उस बर्तन से आधा आपको पानी लेना है और इनको इसमें डुबो देना है पानी में। तो हम सारे भलों को इसमें डाल देंगे। ये इतने सॉफ्ट भले बने हैं, हमें इनको सिर्फ 20 मिनट तक ही इसमें रखना है पानी में। अब मैं इनको प्लेट से ढक दूंगी, मुझे इन्हें 20 मिनट बाद चेक करना है। चलिए तो 20 मिनट हो गए हैं, देखो हमारे भले कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हमें यहाँ पर इसका सारा पानी निकाल देना है। चलिए मैं आपको इनकी चाट बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर
400 ग्राम दही ली है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर फ्रिज में रख सकते हो। मेरी दही ऑलरेडी ठंडी है। चलिए तो मैं आपको चाट बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट में भल्ले रख लेंगे। देखना कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट बने हैं। कहीं से भी कोई भी भला कच्चा नहीं है। चलिए तो मैं इसके ऊपर दही डालती हूँ। अब जो मैंने चटनी बनाई थी अमचूर की, वो चटनी डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से रखना। 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी अमचूर पाउडर और 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काला नमक। अगर आपको मिर्च में तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर भुजिया नमकीन डाल दूँगी, जो कि इससे बहुत अच्छी लगती है खाने में और हमारी चाट भी बहुत खूबसूरत लगती है। और थोड़े से मैंने यहाँ पर अनार के दाने डाले हैं। अगर आपको ये मेरी हलवाई वाली रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर।